अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं नूडल्स की। लेकिन ये हम सिंपल नूडल्स नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे नूडल्स बिरयानी। वैसे तो आपने नूडल्स को बहुत से वेज में ट्राई किया होगा, चिकन नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स, लेकिन आज हम बनाएंगे नूडल्स बिरयानी। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पैन में लेंगे 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, हल्का सा इसे गर्म करते हैं। उसके बाद हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्याज हमने जो चॉप किया है इसी तरह के सेम हमने वेजिटेबल्स भी चॉप की हैं। कटिंग हमने सबकी सेम ही रखी है ताकि जितना ये खाने में खूबसूरत लगे उतना ही ये देखने में भी लगे। बस फिर अब हम प्याज को इतना ही सॉटे करेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना कि इसका जो कलर है वही चेंज हो जाए। प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब हमने इसमें गाजर ऐड करनी है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। अब 1 मिनट के लिए हम गाजर को भी फ्राई करेंगे ताकि ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो। और इसके सॉफ्ट होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। ये आप इतनी ही डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं खाना। बस इसे मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है बेल पेपर्स। ग्रीन हमने यहाँ पे ली है, रेड ली है और इसी के साथ हमने यहाँ पे ली है येलो कलर की। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें तीनों कलर्स की ही ऐड करें। आप इसमें स्किप कर दें, बस एक ही ग्रीन वाली ऐड कर लें क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती है। बस ये ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे थोड़े। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड की है, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसी के साथ हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून। और बस ये लास्ट में अब जाएगी इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो फिर अब बस हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो हमने इसमें बेल पेपर्स ऐड किए हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो चले जी, यहाँ पे देखें बेल पेपर भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने इसमें ऐड करनी है बंद गोभी, इसे भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अच्छी तरह इसे मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हमने इसे भी 1-2 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि इसे भी तो हमने सॉफ्ट करना है ना। अच्छा जी, यहाँ पे देखें वेजिटेबल्स जो हैं हमारी फ्राई हो गई हैं और इसी के साथ अब हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। कच्चे मटर हमने इसमें ऐड नहीं किए, बॉयल करके ऐड किए हैं अच्छी तरह। अब हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे बॉयल हमने पहले ही कर लिया है। तो इसमें पानी हम ऐड करेंगे 4 कप हमने इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि हमने इसमें 3 पैकेट नूडल्स के ऐड करने हैं। बस इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसके बाद हमने इसे कवर कर देना है इतनी देर तक कि इसमें बॉयल आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बॉयल आ गया है इसमें और अब हमने इसमें नूडल्स के पैकेट ऐड करने हैं। हमने इसमें चिकन नूडल्स ऐड किए हैं, आपके पास जो भी हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 4 वाला पैक था जो कि एक बड़े वाला पैक होता है, उसमें 4 थी, वो हमने उसमें से 3 ऐड की हैं। तो बस ये ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने इसमें पूरी ऐड नहीं की, थोड़ा इसे क्रश किया है फिर ऐड की है। तो अब हम इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि नूडल्स जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हों, ये पक जाएँ थोड़ी। और 2 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं। इस पॉइंट पे आके हमने इसमें मसाला ऐड करना है जो कि नूडल्स के पैकेट के अंदर से ही निकलता है। हमने बस इसमें 1 पैकेट का ही मसाला ऐड किया है क्योंकि इसमें हमने पहले ही नमक और मिर्च ऐड कर दी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हमने इसे फिर से कवर कर देना है ताकि जो नूडल्स में कसर बाकी है वो भी अब कम्प्लीटली कुक हो जाए। इसे हम तकरीबन कवर करेंगे 2 मिनट के लिए ही। और यहाँ पे देखें नूडल जो हैं कुक हो गई हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। थोड़ी थोड़ी हमने इसे कच्ची रखनी है क्योंकि अभी हमने इसमें अंडे भी डालने हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर कुक हो जाएं। यहाँ पे हमने बस 3 अंडे ऐड किए हैं लेकिन हम इसे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। इसे हमने देखें इस तरह से स्प्रेड कर देना है तीनों को। थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया ऐड करेंगे। ये डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है, यानी कि इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद हमने इसके ऊपर फिर से अंडे ऐड करने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और फिर से हम यहाँ पे अंडे ऐड करेंगे। 3 हमने पहले ऐड किए हैं और 3 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले जो 3 थे वो हमने मिक्स कर दिए थे, ये वाले 3 हमने मिक्स नहीं करने। इसी तरह से बस कवर करेंगे
और इतनी देर के लिए कवर करना है कि अंडे जो हैं वो कुक हो जाएं या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरह से हो जाएं। अगर तो आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, कम्प्लीटली कुक नहीं करना, तो आप फिर कम टाइम दीजिएगा। हमने तो कम्प्लीटली कुक किया है, इसलिए 3 मिनट में कुक हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे। एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, जब भी आप लास्ट में कवर करें तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो ये साथ भी लग सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी एक स्लाइस की शेप बना ली है और अब हम इसे निकालेंगे। बहुत मज़े के बने थे ये, बहुत ही टेस्टी थे। आपने भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने जो पहले नूडल्स में अंडे मिक्स किए थे उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था, हमें तो खैर ये बहुत पसंद आई थी सबको। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत 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 पसंद आने वाली है। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।